बहुत यूज है रेलवे में, तो हमारे यहाँ रेलवे में कोई सा रेल हो, चाहे तो वो मालगाड़ी हो, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो, चाहे वो LHB हो, चाहे ICF हो, चाहे वंदे भारत हो, कोई भी ट्रेन हो, ब्रेक लगाने के लिए कंप्रेस्ड हवा का यूज करते हैं। तो एयर ब्रेक सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि कंप्रेस्ड एयर को हम ब्रेकिंग के लिए यूज करेंगे। तो पहले तो वो कंप्रेस्ड होनी चाहिए हवा, पहले कंप्रेस्ड होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है, इंजन में कंप्रेसर लगे होते हैं, उससे कंप्रेस होने के बाद फिर तुम स्टोर करोगे उसको। तो स्टोर करने के लिए क्या लगे रहते हैं, लोको में लगे होते हैं MR और बीच में लगे होते हैं AR और CR। पहले हवा को जनरेट करेंगे, उस कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेसर लगा हुआ है इंजन में, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए MR, AR और CR। उसके बाद क्या होता है, उस हवा में से नमी और धूल को बाहर निकालोगे। नमी को निकालने के लिए मैंने बताया लोको में ऑटो ड्रेन वाल्व और एयर ड्रायर लगे होते हैं और ड्रेन कॉक। MR AR के नीचे लगी होगी ड्रेन कॉक, उससे क्या हो जाएगी, AR मतलब ड्रेन कॉक, ऑटो ड्रेन वाल्व और एयर ड्रायर, ये तीन चीज़ें हैं ना, ये नमी बाहर निकाल देंगी। और पूरे वहाँ से जो पाइप चलेगा, एक पाइप चलेगा तो सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम हो जाएगा, दो चलेंगे FPBP के तो ट्विन पाइप। रास्ते में क्या मिलेंगे, डर्ट कलेक्टर, वो क्या करेंगे उसमें से धूल को मतलब उसी में रह जाती है, बाहर नहीं निकलती, बाद में साफ करते हैं उसको। तो धूल चली गई उसमें से, हवा में से, और नमी चली गई। उसके बाद वो हवा आएगी, जिस पाइप में आएगी उसे मेन पाइप बोलते हैं, उससे इधर उधर साइड से पाइप लोगे उसको बोलेंगे ब्रांच पाइप। ठीक है, ब्रांच पाइप में हवा आएगी तो फिर वो DB तक आएगी, DB तक। इस DB में तीन कनेक्शन, सबसे ऊपर ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक पाइप का BP का पाइप आएगा, नीचे AR का, और फिर ब्रेक सिलेंडर का, ये इसी क्रम में रहेंगे। बंद कर ले तो गाड़ी, चाहे DB किसी भी तरह की हो, निकल जाने दो बंद कर ले। ठीक है, ब्रांच पाइप के थ्रू प्रेशर आ गया किसमें, DB में तीन कनेक्शन, पहले BP का, फिर नीचे AR का, और फिर नीचे ब्रेक सिलेंडर। ये तीनों कनेक्शन किस पे होते हैं, कॉमन पाइप ब्रैकेट पे, उसे कॉमन पाइप ब्रैकेट बोलते हैं। जहाँ भी ये कनेक्शन जुड़ेंगे उसे बोलेंगे कॉमन पाइप ब्रैकेट। DB के तीन काम, चार्जिंग, एप्लीकेशन और रिलीजिंग। ऊपर वाला पाइप है BP का पाइप 5 kg, BP का प्रेशर जब 5 kg होगा तो ये DB का काम क्या है, चार्जिंग करना, किसको, CR और AR को चार्ज कर दिया, उसका प्रेशर मेंटेन कर दिया। उसके बाद जैसे ही ऊपर वाले पाइप BP का प्रेशर कम होगा, ये क्या करेगा, दूसरा वाला पाइप पे AR का, उसका कनेक्शन, AR का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर दे। तो उधर जो प्रेशर भरा हुआ ब्रेक सिलेंडर में, उस ब्रेक जिसमें AR में, उस प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर में भेज देगा। कब भेजेगा, लेकिन जब BP का प्रेशर कम होगा। जैसे ही BP का प्रेशर तुम उठाओगे, उसका कनेक्शन, ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन AR से खत्म हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, DB में, ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है निकलने के लिए। तो DB के तीन काम याद रखोगे, चार्जिंग, एप्लीकेशन और रिलीजिंग। DB के बाद प्रेशर जाएगा 3.8 kg नीचे वाले पाइप में, है ना, एप्लीकेशन होगा तब, नीचे वाले पाइप में 3.8 kg प्रेशर जाएगा, अब वो जाएगा ब्रेक सिलेंडर तक। अब ब्रेक सिलेंडर के बाद, ब्रेक सिलेंडर में 3.8 kg प्रेशर आ जाता है, तो ब्रेक सिलेंडर से व्हील तक ट्रांसफर होने के लिए जो सिस्टम है उसे बोलते हैं ब्रेक रिगिंग। वो प्रेशर, गाड़ी खाली है तो कम जाना चाहिए, और जब गाड़ी लोडेड है तो जब ज़्यादा जाना चाहिए, 3.8 जाना चाहिए, अगर खाली होगी तो कम जाएगा। अब ये वैगन खाली है या लोडेड है, इसको पता करने के लिए या तो हम देख के बता सकते हैं, तो उसको मैनुअली करते हैं। ये सिस्टम जो लगा हुआ है उसका एक ही काम है, ब्रेक सिलेंडर से व्हील तक प्रेशर को कम या ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा 3.8 और कम करो 2.2। जैसे ही तुम इसको इस पर लगाओगे येल्लो पे, ये खाली में, मतलब ब्रेक सिलेंडर तक 3.8 जाएगा, उसके बाद उसमें कम जाएगा, और लोडेड में लगा दोगे तो पूरा प्रेशर जाएगा बराबर व्हील तक। ये मैनुअली होता है, इस मैनुअली को हटा के हम LSD लाए, उसका काम क्या है, अपने आप को सेंस कर लेगा कि वैगन लोडेड है या खाली है। उसके बाद फिर APM, इन तीनों के काम ध्यान रखना है। ये जो सिस्टम है फ्लोटिंग लीवर वाला, इसका भी काम यही है, खाली में कम प्रेशर भेजना और लोडेड में ज़्यादा। LSD का भी काम वही है,
सेंस करके एक लोडेड है या एम्प्टी है, कम या ज़्यादा प्रेशर भेजना, एपीएम का भी काम वही है। ये सिस्टम होगा इसको। अब क्या होता है, जब ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाएगा तो ब्रेक सिलेंडर को आप कहाँ लगा रहे हो इस आधार पर उसके ब्रेक सिस्टम का नाम होता है। अगर ये है अंडर फ्रेम, वो है बोगी, ये वाली पीछे बोगी है, ये है अंडर फ्रेम। वैगन को उठाओगे तो नीचे जितने पार्ट हैं वो सब अंडर फ्रेम पर लटके हुए हैं। अगर ब्रेक सिलेंडर को भी तुम इस अंडर फ्रेम पर लगाओगे तो उसको बोलेंगे अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिस्टम, UMBS, शॉर्ट में याद रखो UMBS। ब्रेक सिलेंडर अगर इस पर लगाओगे तो उसको UMBS, उस ब्रेक सिलेंडर को अगर बोगी पर लगाओगे तो BMBS, और उस ब्रेक सिलेंडर को एक्सल पर लगाओगे तो AMBS, एक्सल माउंटेड ब्रेक सिस्टम। तो वो ब्रेक सिलेंडर वो कहाँ लगा हुआ है इस नाम पे उसका नाम है। अंडर फ्रेम पे तो UMBS एक सिलेंडर होगा, दो सिलेंडर होते हैं मालगाड़ी में तो ये हो गया BMBS, और LHB में AMBS, एक्सल माउंटेड ब्रेक सिस्टम होता है उसमें। अब क्या होता है, ये सिस्टम जो होगा UMBS इसमें ऐसे भी और होता है, उसका काम होता है कि जो गैप है व्हील और ब्रेक ब्लॉक के बीच का उसको मेंटेन करते हैं। उस ऐसे भी जब ये सिस्टम को हटाओगे तो उस ऐसे भी को जब हटाओगे तो उसकी जगह ऐसे सिलेंडर लाओगे जिसमें वो ऐसे भी खुद ही लगाओ, सिलेंडर में ही लगाओ, है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसमें दो चीज़ देखोगे, एक तो फ्लोटिंग लीवर और ऐसे भी, ये ज़्यादा टूटती हैं, ज़्यादा खोती हैं, ज़्यादा चोरी होती हैं। इसको हटा के ऐसे भी की जगह तो सिलेंडर में लगा दिया है BMBS में, इनबिल्ट ऐसे भी है उसमें BMBS में, और दूसरा जो फ्लोटिंग लीवर वाला सिस्टम है उसको रिप्लेस कर दिया ऑटोमेटिक से LSD और APM से। उस फ्लोटिंग लीवर की जगह क्या लगा दिया है, LSD या APM।